उनकी खुशामद में किसी चीज में नहीं लगे, बल्कि उनको दो टोक अल्फाज में अपना मौको भी बताया और उनके मुस्तकबिल के जो खतरात उनके लिए थे वो भी बताए। तो भाई साहब दोनों रहनुमाओं को खराज अकीदत पेश करते हैं और कहते हैं कि इनकी याद दुनिया तक रहेगी। मैं अब जनाब सैयद यूसुफ नसीम साहब, इनको हम पहले बुलाना चाहते थे क्योंकि इनका एक ताल्लुक रहा था मीरवाइज खानदान के साथ, जो ख्वाजा अब्दुल गनी लोन साहब के साथ, लेकिन इनकी टेक्निकल नो हाउ इस सिलसिले में आड़े आई। तो यूसुफ नसीम साहब आप अब अपने ख्याल का इजहार करें। अल्ताफ अली साहब बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मुझे आपने रुफका को सुनने का मौका मिला और यकीन करें कि इससे मैं जो बात करूंगा उसको बड़ी तकवीयत मिलेगी जो मुझसे पहले मेरे रुफका ने दोनों ने बन्ना साहब ने मोहतरम और अपने इरशाद महमूद साहब ने जो गुफ्तगू की और फिर फाइज साहब की बातों ने और इजाफा कर दिया। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करूंगा, अप्रिशिएट भी करूंगा किर को कि आप हमेशा कश्मीर के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वो बाकी जितने भी हमारी इंटरनेशनल वर्किंग है एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ, एशिया वाज के साथ और दुनिया में जहां कहीं भी ह्यूमन राइट्स की बात होती है तो किर का और अल्ताफ हुसैन वानी साहब का एक नुमाया रोल है तहरीक आज़ादी कश्मीर में, जिसको मैं अप्रिशिएट करूँ और आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे ये मौका बख्शा इन अपने हम सफर साथियों को सुनने का और फिर कुछ गुफ्तगू करने का मीरवाइज साहब और शहीद ख्वाजा अब्दुल गनी लोन साहब के। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूँ, जिस तरह आपने फरमाया कि 70s में हम SP कॉलेज के स्टूडेंट थे और हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन थी स्टूडेंट्स लिबरेशन लीग के नाम से, उसमें अजीज आयरन, के एच खुर्शीद साहब थे, मैं था और एक हमारे के एच खुर्शीद साहब श्रीनगर से उनका ताल्लुक था खुर्शीद जरगर के नाम से, और इसी तरह हमारी एक टीम थी यूसुफ गिलकार साहब पॉपुलर फ्रंट में थे, मुशाक तबसम था और उस वक्त कुछ और ऐसे बागी लीडर थे जो कॉलेजेस में इस हिंदुस्तान की नाजायज कब्जे के खिलाफ कुछ न कुछ कर रहे थे, पीपल्स लीग अपने तौर पर काम कर रही थी, तो ये मुख्तलिफ लोग काम कर रहे थे जिन्हें एक दूसरे का पता नहीं था, लेकिन हमारी जो ग्रुप था इस ग्रुप को मीरवाइज साहब हेड करते थे और वक्तन फक्तन हमें गाइडेंस मुहैया करते थे और 15 अगस्त का दिन हो ब्लैक डे मनाने का या 14 अगस्त को पाकिस्तानी फ्लैग्स का, तो ये एक हमारे हिस्से में था एज ए स्टूडेंट। तो उस वक्त आजम इनकलाबी साहब के पोस्टर्स किसी जगह लगाने हों उन उस वक्त फोटो स्टेट या इस किस्म की चीजें नहीं थी, हाथ से लिखा करते थे आजम साहब अवेयरनेस या ऐसे इवेंट्स पर, तो उन चीजों को इन बिजली के पोलों पर लगाना वगैरह वगैरह ये हमारा काम। फिर इसी दौरान शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब की तरफ से कश्मीर में एक कॉल हुई कि भाई जो इंडिया अब्दुल्ला अकॉर्ड हुआ है उसको रिजेक्ट करने के लिए, तो उस दौरान भी मीरवाइज मजल में हमारी मीटिंग हुई बहुत सारे दोस्तों की कि हमने क्या रोल अदा करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस काल को कामयाब तो पूरी कौम ने किया लेकिन हमने भी अपने हिस्से का काम किया जो शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में, तो ये इस तरह एक मीरवाइज साहब की एक सरपरस्ती रही। लेकिन जब यूनिवर्सिटी से तकरीबन फारग होने को था मैं, तो लोन साहब बहसियत एजुकेशन मिनिस्टर वहां विजिट किया उन्होंने और उनकी एक तकरीर थी, जिस तकरीर के बाद हम बड़े मुतासर हुए लोन साहब से, तो हम चले गए उनकी रहायशगाह पे कुछ दोस्त, तो उन्होंने ये बात एज ए मिनिस्टर कही कि मैं कांग्रेस का इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर हूँ, एजुकेशन मेरे पास है, जेल और हेल्थ वगैरह भी मेरे पास है, लेकिन मैं आपको ये बात यकीन से कहता हूँ वो शहीद हो चुके हैं तो मैं इस चीज का गवाह हूँ, अजीज आयरन गवाह है, यूसुफ गिलकार साहब भी बाद में इस चीज के गवाह बने, जब बाकी साथियों ने बात की तो उन्होंने कहा कि हमने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बन के देख लिया है, तो ये कश्मीरी मुसलमान और कश्मीर के बारे में ये कभी भी हमें हिंदुस्तानी नहीं समझते ना समझेंगे और सिर्फ इन्हें कश्मीरी नहीं बल्कि कश्मीरियत से गर्ज है, तो आप ऐसा करें आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपको स्कॉलरशिप चाहिए मैं दूंगा, आपको कोई और रिलीफ चाहिए मैं दूंगा, लेकिन आप कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के अंदर कश्मीरियत को और कश्मीर की आजादी को उजागर करें, तो ये हमें एक मिनिस्टर कह रहा है। तो बाद में कुछ दिन गुजरे, अब उतना टाइम नहीं हमारे पास, तो लोन साहब ने उसको छोड़ के बगावत की जिस तरह अल्ताफ वानी साहब ने फरमाया,
तो उस टेरिस्को को तोड़ने के लिए तो फिर आपने तंजीम बनाई ऑल जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नाम से। और फिर अब मैं फिर लोन साहब की तरफ दोबारा आऊंगा कि जब ये अस्करियत मैं 70s में या फिर खासकर 86 85 में कई बार यहाँ पाकिस्तान आया, फिर मेरे कहने पर लोन साहब ने ये जरूर कहा कि बगैर आजाद कश्मीर के, बगैर पाकिस्तान के सपोर्ट के हमारी तारीख आगे नहीं चल सकती। तो कुछ ऐसे असाइनमेंट हम दोस्तों को मिले जिसमें JKLF का बनना भी था, यासीन साहब इस चीज के गवाह हैं, बाकी इशफाक साहब शहीद हो गए, उनके रुख्ता यहाँ मौजूद हैं, वो भी इस बात को जानते हैं। तो लोन साहब ने ये बात साफ कह दी कि हमने तमाम तर देख लिया, जब तक आप बंदूक नहीं उठाएंगे, जब तक हम यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं करेंगे तो हमारी ये तहरीक जो है इसमें न जान पकड़ेगी न दुनिया की तवज्जो इस तरफ मबजूल होगी। तो मैं ये वसूख से कहता हूँ, यकीन से कहता हूँ कि इस अस्करियत को मुनज़्ज़म करने में पहला सियासतदान अगर कोई था जिसने वेलकम किया और अब्दुल्ला वाजा साहब की बंदूक सीने के साथ लगाई, जिसको इंडिया के बड़े बड़े लोग लेने आए लेकिन लोन साहब ने वो बंदूक वापस नहीं दी, उन्होंने कहा कि अगर ये बंदूक DIG साहब मैं आपको दे दूं तो इसका मतलब है कि कश्मीरियों ने सरेंडर कर दिया, मैं कभी ये बंदूक आपको नहीं दे सकता, ये मेरे पास कौम की अमानत है। और वो बंदूक आज मुझे पता नहीं है किधर है, लेकिन मैं इस यकीन से कहता हूँ कि वो बंदूक मौजूद है कहीं ना कहीं लोन साहब के पास, कि ये कौमी अमानत है। यानी ये उनका अंदाजा था, सियासत अपनी जगह आपने देखा लेकिन असलियत को मुनज़्ज़म करने में भी उनका एक अहम रोल रहा। अब आप हम देखते हैं, अगर इस्लामी हिस्ट्री को हम देखें, खुलफ़ाए राशिदीन से लेकर आज तक, शहदाए करबला से लेकर आज तक जितने भी शहीद हुए वो सब साशों से हुए और उसमें अपने ही लोग मुलव्वस रहे, और उसमें हक और बातिल की जंग रही लेकिन बातिल के एजेंटों ने राह रोका हक का, लेकिन किसी के शहीद करने से वो राह नहीं रोक सकता। यही बात है कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। इसलिए ये दोनों शहीद जो है, ये तो बज़ाहिर लोगों का ये सोचना था, हिंदुस्तान की ये सोच थी, हिंदुस्तानी एजेंडों की ये सोच थी कि एक मरकज जो 300 साल से मुसलमानों के पास है कश्मीर में, ये महाराजा के 100 साल में भी रहा और उससे पहले भी 200 साल रहा, 300 साल तारीख है कि जामा मस्जिद श्रीनगर जो है ये कमांड एंड कंट्रोल थी किसी भी इंडिजिनस मूवमेंट की, किसी भी दीनी मूवमेंट की, किसी भी, ये हमारा एक हेडक्वार्टर था। और फिर उसके बाद बदकिस्मती से दूसरा हेडक्वार्टर हमारा हजरतबाल था, जिस पर हर आने वाली हुकूमत ने बजोर शमशीर उस पर कब्जा रखा, लेकिन कश्मीरियों की जो आवाज थी, दीन की जो आवाज थी, दावत की जो आवाज थी, वो जामा मस्जिद श्रीनगर से निकलती थी। यही वजह है आज लोग टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं, आज लोग बहुत बातें करते हैं, लेकिन मैं ये बात कहता हूँ कि 1931 में जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वजूद में आई पत्थर मस्जिद श्रीनगर में, उसमें मीरवाइज खानदान की सरपरस्ती मयसर थी। उस वक्त शेख मोहम्मद अब्दुल्ला मास्टर्स डिग्री करके आ गए थे अलीगढ़ से, लेकिन सवाल यह है कि सरपरस्ती मीरवाइज यूसुफ शाह साहब के पास थी। और ये उस वक्त ये बात साफ जाहिर हुई कि मुसलमान इस बरे सगीर में महफूज नहीं है, हिंदुस्तान शायद कोई आजादी हासिल कर ले, हम ऑलरेडी महाराजे के खिलाफ एक तारीख थी। उस तारीख में उस टू नेशन थ्योरी अगर मैं कहूँ तो वो पत्थर मस्जिद श्रीनगर की देन थी, जहाँ ऑल जम्मू व कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का वजूद अमल में आया। तो ये भी कश्मीरियों की देन थी और ये भी मीरवाइज खानदान की देन थी। और उसके बाद 47 से लेकर मीरवाइज यूसुफ शाह साहब का रोल आपके सामने है, उन्हें जलावतन होना पड़ा, वो आजाद कश्मीर में सदर भी रहे। तो अब ये जो ये मरकज था हमारा, वो सच्ची बात यह है कि हमारे कंट्रोल का वो जामा मस्जिद श्रीनगर था। तो लोगों की ये नियत थी कि अगर मीरवाइज फारूक साहब को शहीद किया जाए तो ये मरकज तितर बितर हो जाएगा और ये तहरीक जो है ये दब जाएगी, लेकिन अल्लाह का करना था। जब मोए मुकदस की तारीख चली, आप चारों को याद होगा मेरे दोस्तों को, तो उस मोए मुकदस की तारीख में 17 साल उम्र थी मीरवाइज फारूक साहब की जब उसको उसका चेयरमैन बनाया गया, और मोए मुकदस जब तक वापस नहीं आया, जब तक बिरकशाह साहब ने उसकी तस्दीक नहीं की, जब तक उसको हजरतबाल में पहुंचाया नहीं गया, तो पूरी कश्मीरी कौम एक तहरीक, एक शीशा पिलाई हुई दीवार और एक तस्वीर की तरह बाहर निकली। कमांड एंड कंट्रोल जो था वो मीरवाइज फारूक साहब, 17 साल मीरवाइज फारूक साहब की उम्र थी। और आज जब मीरवाइज फारूक साहब को शहीद किया गया तो फिर उसका बेटा उमर फारूक साहब जो फाउंडर है ऑल पार्टी हुर्रियत तहफ़्फ़ुज़ का, जो इसकी उम्र भी 17 साल थी, और सईद अली शाह गिलानी साहब, ख्वाजा अब्दुल गनी लोन साहब, अब्बास अंसारी साहब,
और शबीर अहमद शाह साहब, यासीन मलिक साहब, और यहाँ से सरदार अब्दुल कयूम खान साहब, और यहाँ से अमानुल्लाह खान साहब जैसी शख्सियात, इन सब शख्सियात ने उस 17 साल के बच्चे के हाथ में क्यादत दी। और जब ये पूछा गया हमसे भी दुनिया में कि आपके पास इतने बड़े बड़े लोन साहब जैसे, सईद अली शाह गिलानी साहब जैसे, शबीर अहमद शाह साहब जैसे लीडर मौजूद हैं, तो उस वक्त लोन साहब ने ये कहा कि ये तारीख लंबी है, तो इसके लिए वो लीडर चाहिए जो आज ही से एक्सपीरियंस गेन करे और ये आगे चल के हमारी क्यादत करेगा। तो इसलिए हम सब मुत्तफिक हैं कि मीरवाइज साहब भी इसकी कमांड एंड कंट्रोल संभालें। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मीरवाइज साहब ने जिस अंदाज में उमर साहब ने भी काम किया आपके सामने है। तो लिहाजा मैं जो आपसे गुजारिश करूं, अपने रुफका को सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई, इन सारे आपने नॉलेजेबल आदमियों को बुलाया। तो आखिरी बार मैं जब लोन साहब को मिला वो दुबई में था, ये जिस कॉन्फ्रेंस का OIC की फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस जो न्यूयॉर्क में हुई, मैं और फाई साहब लोन साहब के दाएं बाएं बैठे थे। तो मैंने लोन साहब को कहा यहाँ का रवाज है कि आप वो तारीख रिटर्न स्पीच करेंगे, क्योंकि आपकी स्पीच की कापियां यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी और उनका तर्जमा किया जाता है मुख्तलिफ जबानों में, तो लिहाजा ये स्टेटमेंट दी है जनाब, तो ये पढ़े। कहा किसने दी आपको? एम्बेसडर साहब ने दी। मैंने कहा नहीं, मुझे मैंने खुद बनाई। उन्होंने कहा मैं कभी जिंदगी में लिखी हुई तकरीर नहीं करता, तो अगर ये सुनेंगे मुझे तो सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो ना सुने। भाई साहब अगर मेरी बात की सुनते वो तस्दीक करें। उन्होंने उठा के वो कहा कि कोई तर्जमा करे या ना करे, तो अंग्रेजी में आपने लिखा है ना, मैं अंग्रेजी में ही बोलूंगा। फिर जो लोन साहब ने ये हिस्टोरिकल तकरीर की, जिस तरह आपने देखा कि कई सालों से किसी बड़ी तकरीर का आपको जो तस्करा आपके पास आएगा, आप कलमकारों और दानश्वरों के पास, तो आप इमरान खान साहब की UN की तकरीर को कभी इग्नोर नहीं कर सकते कि दुनिया के पूरे नक्शे को उन्होंने, कश्मीर को भी, इस्लामिक फोबिया है, टेररिज्म है, क्लाइमेटिक चेंज, यानी हर चीज को इस अंदाज में अटैच किया जैसे कि पूरी दुनिया की खबर उनके जहन में थी। तो वो इमरान खान साहब की तकरीर जो थी, मैं समझता हूँ कि इससे भी बावजन तकरीर वहां पर लोन साहब ने की थी। तो बदकिस्मती से फिर वो लोन साहब जब दोबारा आए, तो दोबारा दुबई से हम बरतानिया चले गए, बरतानिया से हम अमरीका चले गए। आखिरी 3 महीने मैंने उनके साथ गुजारे, और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब के साथ, फाई साहब के साथ अमरीका में हमारी कई मीटिंगें हुई, कई प्लान बने। लेकिन मुझे अफसोस है कि जब मैंने लोन साहब को वाशिंगटन से, नहीं सॉरी न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से ऑस्ट्रिया के लिए रवाना किया, उनको श्रीनगर वापस जाना था, तो उस वक्त मैंने जिंदगी में पहली बार उन्हें मायूस देखा। मैंने कहा लोन साहब आप जिंदगी में कभी मायूस नहीं हुए, यही वजह है कि हमने जिंदगी के 40 साल आपके साथ गुजारे और हम इनकलाब का हिस्सा बने, हम किसी इकदार के लिए आपके साथ नहीं आए थे, लेकिन आपको हमने मायूस उस वक्त भी नहीं देखा जब श्रीनगर में बड़े बड़े हादसात हुए हमारे साथ, इशफाक मजीद पानी साहब शहीद हुए और कई लोग शहीद हुए, लोग हौसला हार चुके थे, उस वक्त मैंने आपको मायूस नहीं देखा। उसने कहा आज मेरी मीटिंग हुई थी स्टेट्स डिपार्टमेंट में, मैं और फाई साहब बाहर रहे, उनकी कोई सीक्रेट मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान ने हमारे सारे टूर की कॉपी जो है वो अमेरिका मेरे आने से पहले ही पहुंचा दी है कि आपने दुबई में ये फैसला किया कि जो मुजाहिदीन है इनको एक कमांड में दिया जाए, आपने दुबई में ये कहा था कि मुजाहिदीन को बाजाबता तनख्वाह दी जाए, इनके शोधा को लुक आफ्टर किया जाए, आपने यहाँ वहां ये तजवीज दी कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को ऑल पार्टीज को खत्म करके एक बनाया जाए, और ये तजवीजें उसमें सरदार अब्दुल कयूम खान साहब मजाहिद अव्वल मौजूद थे, उस मीटिंग में मीरवाइज साहब मौजूद थे, कुछ और लोग मौजूद थे, और उस मीटिंग की उसपे पाकिस्तान के जिम्मेदारान लीडरान मौजूद थे, तो उस मीटिंग की जो मिनट्स थे वो मिनट्स व्हाइट हाउस में लोन साहब को सुनाए गए। तो उस वक्त लोन साहब को बड़ा अफसोस हुआ कि मुझे शक है कि मुझे ये इमिनेट कर देंगे, मेरी पार्टी आपके हवाले, अल्लाह के हवाले, एक कभी भी अगर सारे कश्मीरी शहीद हो जाए लेकिन हिंदुस्तान के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। और ये जब ये बात मुझे, मैंने उनको रुख्सत किया जब वो श्रीनगर पहुंचे, मैंने कोशिश की उनके साथ, मलेशिया से उनके साथ, मलेशिया भी जाना था, मलेशिया से उनसे साथ बात हुई, आखिरी बात दिल्ली हुई। मैंने कहा परसों 21 मई है और बरसी है तो आप पहुंच जाएंगे, तो उन्होंने कहा पता नहीं क्यों मैं मुझे 2 दिन रुकना था लेकिन मैं इस बरसी में जाना चाहता हूँ। मुझे ये पता नहीं था कि ये लोन साहब के आखिरी कलमात हैं, और लोन साहब के वो आखिरी कलमात जो मेरे साथ
न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर किए कि इस तंजीम और इस तहरीक का ख्याल रखना, तंजीमें मैंने नहीं रखी, तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए खुद को वक्फ रखना। तो और मुझे यकीन है, मैंने इसीलिए आपको पाकिस्तान भेजा था कि आप मेरे मेरे नजरिए को और मेरी बात की रखवाली करेंगे। तो लोन साहब के आखिरी अल्फाज थे, और जब दिल्ली में मेरी उनसे बात हुई तो उन्हें कहा हाँ मैं इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में जा रहा हूँ, पता नहीं मुझे क्यों क्यूरियोसिटी है जल्दी श्रीनगर पहुंचने की। और फिर हम जनाब अल्ताफ वानी साहब और मेरे भाई सुन रहे हैं कि हम मीरवाइज फारूक साहब की बरसी के सिलसिले में इस्लामाबाद के एक बड़े होटल में कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और मुझे फोन आया कि ख्वाजा अब्दुल गनी लोन साहब को मीरवाइज साहब की बरसी की तकरीर के अहतमाम पर आखिर पर जब तक खत्म हुई तकरीर तो लोन साहब को शहीद किया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत शुक्रिया आपका।